टीम इंडिया के पूर्व कप्तान विराट कोहली एक बार फिर बांग्लादेश के खिलाफ फेल साबित हुए। दूसरे टेस्ट की दूसरी पारी में कोहली एक रन के स्कोर पर आउट हुए। विकेट गिरने के बाद उनकी बांग्लादेशी प्लेयर से बहस भी हुई। बांग्लादेश के मीरपुर में भारत और बांग्लादेश के बीच जारी दूसरा टेस्ट मैच अब रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका है। बांग्लादेश ने भारत को जीत के लिए 145 रनों का लक्ष्य दिया, लेकिन टीम इंडिया दूसरी पारी में पूरी तरह लड़खड़ा गई है और 50 के स्कोर से पहले ही टीम के 4 विकेट गिर गए। भारत को अब जीत के लिए 100 रनों की जरूरत है, जबकि उसके पास 6 विकेट ही बाकी हैं। तीसरा दिन खत्म होने से पहले जब विराट कोहली का विकेट गिरा तो मैदान पर एक विवाद भी हुआ। विराट कोहली आउट होने के बाद बांग्लादेशी प्लेयर से भिड़ गए। हाल ये हुआ कि शाकिब अल हसन को बीच बचाव के लिए आना पड़ा। दूसरे टेस्ट की दूसरी पारी में विराट कोहली सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हुए। मेहदी हसन मिराज की बॉल पर मोमिनुल हसन ने विराट कोहली का कैच लपका। विराट कोहली जब आउट हुए तब बांग्लादेशी प्लेयर्स ने जमकर जश्न मनाया। इस दौरान बांग्लादेशी प्लेयर्स और विराट कोहली के बीच कुछ बहस हुई। विराट कोहली वहां क्रीज पर ही रुक गए और बांग्लादेशी प्लेयर्स पर भड़क गए। इस बीच बांग्लादेश के कप्तान शाकिब अल हसन विराट कोहली के पास आए और उनसे बात की, जिसके बाद विराट कोहली ने उन्हें खिलाड़ी के बारे में बताया और फिर मामला जाकर शांत हुआ। टीम इंडिया की हालत खराब हुई। आपको बता दें कि मैच के तीसरे दिन टीम इंडिया की हालत खराब हो गई। बांग्लादेश ने भारत को 145 रनों का लक्ष्य दिया है। जवाब में टीम इंडिया के 45 रन के स्कोर पर 4 विकेट गिर गए। टीम इंडिया के सभी बड़े बल्लेबाज अपना विकेट गंवा चुके हैं। बांग्लादेश ने इस मैच में पहले बैटिंग की थी और 227 रन बनाए थे। जवाब में भारत ने अपनी पहली पारी में 314 रन बनाए थे। टीम इंडिया को कुछ लीड मिली, लेकिन बांग्लादेश ने दूसरी पारी में 231 रन बना दिए और टीम इंडिया ने उसे ऑल आउट किया। अब भारत को जीत के लिए 145 रनों का लक्ष्य मिला है। भारत के 6 विकेट बचे हैं और 100 रन बनाने हैं।